For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Just yesterday, we had reported that singing masters Himesh Reshamya and Guru Randhawa had graced Salman Khan's game show Das Kadam. And this episode was indeed filled with a lot of melody and of course laughter and entertainment. After the show, here we see how Salman Khan is posing for a selfie with Himesh Reshamya on the sets. And this viral pic has indeed left us all delighted. On the work front, Salman has started shooting for his upcoming film Bharat. And yesterday itself, we had shared a picture of the rehearsals for a bike stunt. That's all for now. But stay tuned for the latest updates from the world of Bollywood and keep sharing your comments with us in the section below. संजू इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर छा गई है और ये फिल्म रणबीर कपूर के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं रही। वेल, अब जो उनका करियर बिल्कुल सेट और सोरिंग है, सभी उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में सोच रहे हैं। इन दिनों उनके और राजी स्टार आलिया भट्ट के अफेयर की खूब चर्चा हो रही है। ऐसे में एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान जब उनसे शादी के बारे में पूछा गया तो पहले तो उन्होंने इस सवाल को कर दिया अवॉइड। मगर जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या आप भी सलमान खान की तरह बैचलर रहना चाहते हो, तो संजू स्टार रणबीर ने दबंग खान का मजाक उड़ाने का मौका ना छोड़ते हुए जवाब में कहा, जी नहीं, मैं जल्द ही शादी करूंगा और दुनिया में केवल एक ही सलमान खान है, मैं दूसरा नहीं बन सकता हूं। अब ये स्टेटमेंट तो सलमान के लिए क्लियर टॉन्ट था और न जाने वो इसका जवाब कैसे देंगे। एनी गेसेस? साल किंग खान शाहरुख फोर्ब्स लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज की लिस्ट में टॉप 10 पर होते ही हैं। मगर इस बार एक शॉकिंग मूव में एसआरके का नाम तो इस लिस्ट से ही बाहर हो गया। सलमान खान और अक्षय कुमार को मिल गई है इस कविटेड लिस्ट में जगह। मगर यहाँ भी हमने देखा कि अक्की की रैंकिंग 76 है, जो सलमान के 82 रैंक से काफी आगे है। वेल, शाहरुख खान ने तो हमेशा इस लिस्ट पर हाई फीचर किया है और ऐसे में उनका नाम 2018 की लिस्ट में ना देखकर हम तो काफी शॉक्ड हैं। पर अब जो उनकी फिल्म जीरो इसी साल रिलीज हो रही है, तो हमें उम्मीद है कि वो अगले साल की फोर्ब्स लिस्ट में अपनी जगह वापस पा लेंगे। फिलहाल बस इतना ही, मगर आप फोर्ब्स हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज लिस्ट ऑफ 2018 पर अपने कॉमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। कुछ महीने पहले सलमान खान ने अपना गेम शो 10 का दम 3 किकस्टार्ट किया था। मगर सलमान खान के अल्योरिंग प्रेजेंस के होते हुए भी शो के टीआरपीज गिरते ही गए और फाइनली शो के मेकर्स ने टीआरपीज को बढ़ाने के लिए कुछ चेंजेस प्लान किए हैं। सबसे पहले उन्होंने शो को वीकडे से हटाकर वीकेंड स्लॉट पर शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर शो को वीकेंड्स पर एयर किया गया तो व्यूअर्स के नंबर्स बढ़ जाएंगे। वेल, इसके अलावा कई और चेंजेस भी हैं। शो के नाम को भी 10 का दम से चेंज करके 10 का दमदार वीकेंड रख दिया है। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चेंज है कि अब शो पर सिर्फ सेलिब्रिटीज होंगे ताकि एंटरटेनमेंट क्वोशेंट बना रहे। तो क्या अब ये सारी स्ट्रेटजीज अपनाकर मेकर शो की टीआरपीज को बढ़ा पाएंगे या इस बार भी वो फेल हो जाएंगे? आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताएं। शाहरुख खान और सलमान खान की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और ये फैन फॉलोइंग इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। जहाँ भी ये दोनों स्टार्स जाते हैं, इनके फैंस वहाँ भीड़ इकट्ठा करके सेल्फीज और ऑटोग्राफ्स की रिक्वेस्ट करते हैं। मगर हाल ही में हमने देखा कि सलमान खान दुबई की एक लीडिंग मॉल में टहल रहे थे, मगर किसी को भी परवाह नहीं थी। कुछ देर ऐसे ही टहलने के बाद सलमान एक बेंच पर जाकर बैठ गए और अपने मोबाइल के साथ खेलने लगे। मगर ये क्या, एक भी फैन उन्हें हाय तक कहने नहीं आया। अब ये तो बॉलीवुड के सुल्तान के लिए किसी इंसल्ट से कम नहीं है। मगर वो अकेले नहीं है। सालों पहले ऐसा ही कुछ लंदन एयरपोर्ट पर भी हुआ था, जब शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान ट्रैवल कर रहे थे। पर इन इंसिडेंट से इंसल्टेड फील करने के बदले इन दोनों ने अपनी इस रेयर प्राइवेसी को एंजॉय किया होगा, है ना?
हम एक्टर कवि कुमार आजाद की मौत की खबर से उभरे भी नहीं थे जब हमें एक और दुखद निधन की खबर आई, और इस बार एक्ट्रेस रीटा भादुड़ी की, जिन्होंने कल अपनी आखिरी सांसें ली थी। उनकी मौत का शोक सभी ने मनाया और उन्हें बॉलीवुड में सभी की माँ कह के पुकारते थे। हालांकि अपने करियर में रीटा जी ने बॉलीवुड के 3 बड़े खान्स सलमान, शाहरुख और आमिर के साथ काम किया है, हम हैरान रह गए कि इन तीनों में से एक भी उनकी अंतिम यात्रा पर उन्हें श्रद्धांजलि देने नहीं आए। पहले तो हमें लगा कि शायद ये तीनों अपने काम के सिलसिले में मुंबई से बाहर है, मगर फिर जब बाकी सेलेब्स सोशल मीडिया पर अपने मैसेजेस और कंडोलेंसेस शेयर कर रहे थे, इन तीनों खान्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट या कॉमेंट नहीं नजर आया। अब ये देखकर हम तो सोच ही रहे हैं कि किस कारण से इन तीनों ने रीटा भादुड़ी को अपनी आखिरी श्रद्धांजलि नहीं दी। एनी गेसेस? बड़ी खबर, फिल्म भारत के पहले सीन की डिटेल्स हमारे पास आ चुकी हैं। जी हाँ, इस सलमान और प्रियंका की महाफिल्म भारत की शूटिंग शुरू होने वाली है और हम आपको इसकी डिटेल्स बताते हैं। सलमान खान बनेंगे राज कपूर और प्रियंका चोपड़ा बनेंगी नरगिस दत्त। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित फिल्म भारत की शूटिंग मुंबई में 22 जुलाई से होगी शुरू। इस फिल्म को लेकर फैंस में एक्साइटमेंट तो बस बढ़ती ही जा रही है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कल ही कटरीना कैफ ने इंग्लैंड में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था और इस मौके पर उनकी फिल्म जीरो ने हमें ट्रीट के तौर पर उनका फर्स्ट लुक दिखाया। माय माय, फैले काजल और बिना मुस्कान के एक्सप्रेशन के साथ कैट के इस फर्स्ट लुक को देखकर हम तो सोच में पड़ गए हैं कि आखिर उनका कैरेक्टर फिल्म में कैसा होगा। और फिर हमें याद आया कि कैट इस फिल्म में एक अल्कोहलिक सेलिब्रिटी का रोल अदा कर रही है, तो अब ये लुक बिल्कुल अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई करता है। शाहरुख खान के ड्वार्फ लुक के बाद अब कटरीना के फर्स्ट लुक ने भी कर दिया है हम सबको फैसिनेट। और अब इस लुक को देखने के बाद हम कैट के कैरेक्टर को फिल्म में देखने के लिए और भी एक्साइटेड हो गए हैं। और आप? हाल ही में हमने कई सेलिब्रिटीज को सलमान खान के शो 10 का दम पर आते हुए देखा, और जहां ज्यादातर सेलिब्रिटीज अपनी फिल्म्स को प्रमोट करने के लिए आए थे, वहीं कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे भी थे जो सिर्फ शो को एंजॉय करने के लिए आए। तो अब म्यूजिक जगत के 2 स्टार्स आए थे सलमान खान के शो पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं म्यूजिक डायरेक्टर कम सिंगर हिमेश रेशमिया और पंजाबी पॉप सिंगर गुरु रंधावा की, जो हाल ही में 10 का दम पर आए थे। शो के होस्ट सलमान के साथ मिलकर इन दोनों ने खूब मस्ती की, और इन दोनों को सलमान के साथ गाते हुए देखकर हमें तो शो पर कई सारे प्राइसलेस मोमेंट्स देखने को मिले। तो अब इस डिलाइटफुल एपिसोड के बारे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। कुछ हफ्ते पहले हमने आपको बताया था कि सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म भारत की शूटिंग का पहला शेड्यूल शुरू करेंगे, और वो भी मुंबई में। एक लीडिंग स्टूडियो में कई सेट्स इरेक्ट किए गए हैं, जिनमें से एक में सलमान और प्रियंका एक सेलिब्रेटरी होली नंबर शूट करने वाले हैं, वहीं दूसरे सेट पर एक फायर ट्रपीज सीन शूट होगा। और अब हम लाए हैं एक और सेट की झलक, जहां सलमान एक हाई ऑक्टेन बाइक स्टंट शूट करने वाले हैं। इस सीन के रिहर्सल्स जोरों शोरों से चल रहे हैं, और इसे देखकर हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि इस फिल्म में ड्रामा के अलावा एक्शन भी बेशुमार होगा, है ना?